Hello everyone, welcome to Next Level Studies. So CLAT 2020 exam is around the corner and I expect आप लोगों की preparation काफी अच्छी चल रही होगी CLAT की. So आज हम बात करेंगे LR section में से critical reasoning के कुछ questions की. So LR की weightage आपकी इस बार 20% रहेगी, 28 to 32 questions रहेंगे as disclosed on the website as well. So आपके LR section में critical reasoning काफी अच्छी weightage रखेगा. हर question मतलब वो paragraph form में आपसे question पूछेगा और उससे बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी स्टेटमेंट आपको आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन कर रही है, वीकन कर रही है, या फिर कौन सी स्टेटमेंट सपोर्टिव है. सो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करके आपको मेन आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे हम ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट कर पाए. सो वही चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन की मतलब दो पार्ट है. ये पार्ट वन है क्वेश्चन का. सो बोल्ड में हमारा क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन सेज In an experiment, two different types of recorded music were played for neonates in adjacent nurseries in a hospital. In nursery A, classical music was played. In nursery B, rock music was played. After 2 weeks, it was found that the babies in nursery A cried less, suffered fewer minor ailments, and gained more weight than did the babies in nursery B. ठीक है? So, अब क्वेश्चन में पूछा है इन इवैल्यूएटिंग द वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट अबव इट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, मतलब कंक्लूजन हमें जो उसने कंक्लूजन बताया है, इट वॉज फाउंड दैट बेबीज इन नर्सरी क्राइड लेस सफर्ड फ्यूअर माइनर एलिमेंट्स. सो ये कंक्लूजन के लिए कौन सी ऐसी स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और क्या जानना सबसे जरूरी रहेगा हमारे लिए. तो पहला ऑप्शन पे चलते हैं. The musical preferences of the parents of the two groups of the newborn. ये तो बिल्कुल irrelevant है. Option है तो बिल्कुल irrelevant option है. क्योंकि हम बच्चों की बात करें nursery और nursery B में, so parents की musical preference है तो कोई मतलब ही नहीं है. So option A को तो हम ignore कर सकते हैं. Option B पे आते हैं. Whether the newborns in both nurseries were equally healthy and happy at the start of the experiment. ये पॉइंट वैलिड लग रहा है बिल्कुल. क्यों? क्योंकि हमने जो पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद नर्सरी ए और नर्सरी बी में हुआ है उसमें दे रखा है कि क्राइडलेस जो नर्सरी ए के बच्चे हैं वो क्राइडलेस यानी कि वो हैप्पी थे, सफर्ड फ्यूअर माइनर एलिमेंट्स यानी कि वो हेल्दी भी थे थोड़े बहुत, गेन्ड मोर वेट. सो ये सारा हमारा हेल्दी और हैप्पीनेस की तरफ इशारा कर रहा है. सो ऑप्शन बी अभी तक मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है. सो ऑप्शन बी को हम होल्ड पे रख सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी पर आते हैं. वेदर लाउड रॉक म्यूजिक कैन डैमेज द हियरिंग ऑफ न्यू बॉर्न्स. सो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इतना रेलिवेंट नहीं लग रहा है. मतलब वेदर लाउड रॉक म्यूजिक कैन डैमेज द हियरिंग ऑफ न्यू बॉर्न्स ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि हम जज कर पाए इससे कि कंक्लूजन इस बेसिस पे हम नहीं बता सकते. क्योंकि लाउड रॉक म्यूजिक सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है, इसके अलावा हैप्पीनेस और बहुत सारी चीजें जो इसमें कवर नहीं करी गई है. सो लाउड रॉक म्यूजिक को हम और इसमें लाउड की भी तो बात भी नहीं करी गई है. क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे सिर्फ रॉक म्यूजिक की बात करी गई है. यहाँ पे नर्सरी भी रॉक म्यूजिक और प्ले, तो लाउड रॉक म्यूजिक के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करी गई है. तो ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. और हैप्पीनेस के बारे में भी इसमें कोई बात नहीं करी गई है. व्हाट द एवरेज वेट ऑफ द ऑप्शन डी है. व्हाट द एवरेज वेट ऑफ द न्यू नॉट्स वॉज बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. अब वेट का तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है. ठीक है, हम हैप्पीनेस इसमें कोई ऐसा लिंक नहीं है. सो ऑप्शन डी भी इतना हमें ऑप्शन डी भी हमें इतना क्लोज नहीं ला पा रहे करेक्ट आंसर के. सो ऑप्शन डी भी हमारा मतलब ऑप्शन बी के चांसेस अभी तक सबसे ज्यादा लग रहे. सी और डी में इतना मतलब इतना इंक्लिनेशन नहीं है मेरी कि मैं सी और डी को मार्क कर पाऊँ. ऑप्शन ई पर आते हैं. वेदर द म्यूजिक वॉज प्लेड इन द नर्सरीज एट ऑल टाइम्स और ओनली एट सर्टेन टाइम्स. अब ऑप्शन बी और ई में देखेंगे तो बी और ई में थोड़ा बहुत लगेगा कि ऑप्शन ई भी लग रहा है ठीक. ऑप्शन ई वेदर द म्यूजिक वॉज प्लेड इन नर्सरीज एट ऑल टाइम्स और ओनली एट सर्टेन टाइम्स. लेकिन हमने कंपैरिजन किन किन दोनों में करना है. हमें ए और बी नर्सरी में कंपैरिजन करना है. सो ए और बी नर्सरी में कंपैरिजन अगर करना है सो इसका मीनिंग तो हम यही मान के चलेंगे ना कि नर्सरी ए और नर्सरी बी में दोनों में इक्वली टाइम आपका चला होगा म्यूजिक. ठीक है, सो ओनली सर्टेन टाइम्स या ऑल टाइम्स ये मतलब ये वाली अजम्पशन हम मान के नहीं चलेंगे कि कुछ टाइम के लिए चला है या दोनों टाइम में सर्टेन चला है. ऑप्शन ई वाला हमारे लिए तो सर्टेन नहीं है. हम मान के चल रहे हैं कि नर्सरी ए और नर्सरी बी में क्लासिकल म्यूजिक या रॉक म्यूजिक जो है इक्वल टाइम के लिए चला है. ये तो बेसिक अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल.
क्योंकि हमने ऑप्शन बी सारी चीजें कवर कर रहा है, हेल्थ हेल्थ को भी कवर कर रहा है और हैप्पीनेस को भी कवर कर रहा है. सो ऑप्शन बी वुड बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा. सो आगे चलते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट, वो ही आपका सेम है. तो उसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सबने पढ़ा हुआ है, नर्सरी नर्सरी भी वाला है. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेरिमेंटल डाटा वुड सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट क्लासिकल म्यूजिक इज बेनिफिशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बॉर्न. ठीक है, सो क्लासिकल म्यूजिक इज बेनिफिशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बॉर्न, ये हमें सपोर्ट करना है. अब चलते हैं पहले ऑप्शन पे. द न्यूनेट्स इन नर्सरी वेयर नो म्यूजिक वॉज प्लेड fared better than those in nursery B. So ये वाला तो हमें हमें तो क्लासिकल को अच्छा बताना है. सो इस वाले में तो क्लासिकल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल इररिलेवेंट है हमारे लिए. ऑप्शन बी पर आते हैं. नर्सरी ए कंटेन 15% मोर प्रीमैच्योर बेबीज देन नर्सरी बी. सो नर्सरी ए में हमारे क्लासिकल तो नर्सरी ए तो ये तो एक तरीके से मोर प्रीमैच्योर बेबीज हो गए, तो ये तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी चला गया हमारा, प्रीमेच्योर बेबीज है. और नर्सरी को हमें अच्छा प्रूफ करना है क्योंकि इसमें क्लासिकल म्यूजिक था. सो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन सी है, द न्यूबॉर्न्स इन नर्सरी ए क्राइड लेस, सफर्ड फ्यूअर माइनर एलिमेंट्स एंड गेन्ड मोर वेट देन द न्यूबॉर्न्स इन नर्सरी विद नो म्यूजिक. ये वाला हमारा बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अब हम ऐसी नर्सरी से कंपेयर कर रहे हैं जहां पर कोई म्यूजिक था ही नहीं. सो इसका मीनिंग है कि क्लासिकल जो क्लासिकल म्यूजिक है वो नर्सरी बी जिसमें रॉक म्यूजिक चल रहा था उससे भी अच्छी है, एंड ऐसी नर्सरी जिसमें कोई म्यूजिक नहीं था उससे भी अच्छी है. तो ऑप्शन सी अभी तक मुझे करेक्ट लग रहा है. ठीक है, ऑप्शन सी पे टिक कर सकते हैं. ऑप्शन डी पे देखें, द म्यूजिक प्लेड इन नर्सरी ए वॉज लाउडर देन दैट प्लेड इन नर्सरी बी. सो ये लाउड या फिर मीडियम म्यूजिक से हमारा इतना कोई लेना देना है नहीं, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको. ऑप्शन ई, द रेशियो ऑफ नर्सेस टू न्यूबॉर्न्स इन नर्सरी बी वाज 1:4, इन नर्सरी ए इट वाज 1:6. अब नर्सेस के रेशियो से हम कुछ नहीं बता सकते कि आपके क्लासिकल म्यूजिक हेल्पफुल है चाइल्ड की ग्रोथ में या फिर रॉक म्यूजिक है हेल्पफुल. सो नर्सेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ई ऑप्शन इररिलेवेंट है. सो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, आई होप आपको इन दो क्वेश्चंस को देख के काफी क्लैरिटी हो गई होगी कि ऑप्शंस को कैसे पढ़ना है. पूरे ऑप्शन को पढ़ के आपको उसका थोड़ा सा ये भी उसका नेगेशन भी सोचना है कि हर एस्पेक्ट इसका सही हो रहा है हर एस्पेक्ट पे, या फिर कहीं पे गलती हो रही है तो फिर उस ऑप्शन को तुरंत हम एलिमिनेट कर देंगे. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. इससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते. सो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन. We have heard a good deal in recent years about the declining importance of the two major political parties. It is the mass media, we are told, that decide the outcome of the elections, not the power of the parties. But it is worth noting that no independent or third party candidate has won any important election in recent years. And in the last nationwide campaign, the two major parties raised and spent more money than ever before in support of their candidates and platforms. It seems clear that reports of the imminent demise of the two-party system are premature at best. Yani ki author jo bhi hai, jisne bhi passage paragraph likha hai, usse sabse pehle ye bataya hai ki do major political parties jaise India mein Congress BJP hai, wo ek declining phase mein chal raha hai. और उसको उसके बाद उन्होंने बताया कि पार्टीज की पावर का इतना मेजर रोल नहीं है. अब जो आपकी मास मीडिया है, सोशल मीडिया वगैरह है, वो आपके डिसाइडिंग फैक्टर होती है, वो आपका बताती है कि इलेक्शंस का आउटकम कैसे होगा. लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और फैक्ट बताया, बट के बाद जहां भी बट आए ना, जैसे यहाँ पे बट आ गया, सो जहां भी बट आए, बट पे एकदम अलर्ट हो जाइए करें, क्योंकि बट के बाद आपको हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट मिलता है, एक मतलब दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि अभी तक जो बात हुई उससे अलग मिलती है. सो बट के बाद उन्होंने बताया कि जो इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी है उन्होंने अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्शन नहीं जीता है, और जो हमारी मेजर पार्टीज हैं दो, वो ज्यादा मनी स्पेंड कर रही है अपने कैंडिडेट्स पे. ठीक है, क्योंकि उनको इतना क्योंकि वो डिक्लाइनिंग फेज में चल रही है तो अपने कैंडिडेट्स और अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा खर्च कर रही है. और लास्ट में इट सीम्स क्लियर, यानी कि इसने अपनी जो पहले इसने बात करी थी पहले दो लाइन में उसको दोबारा रीस्टेट कर दिया. It seems clear that reports of imminent demise of two-party system are premature at best. ठीक है, जो इसने लाइन पहली दो जो बात इसने पहली दो लाइनों में बोली थी, ये वाली जो दोनों लाइनों में बोली थी, वो वाली बात इसने दोबारा रीस्टेट कर दी.
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन मेड इन द आर्ग्यूमेंट अबव. द अमाउंट ऑफ मनी इज रेस्ड एंड स्पेंड बाय पॉलिटिकल पार्टी इज वन वैलिड क्राइटेरियन फॉर जजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी. सो ये चीज तो हमें दे रखी है इन द लास्ट इलेक्शन वाइड कैंपेन, जो ये चीज दे रखी है हमें, द टू मेजर पार्टी रेज्ड एंड स्पेंड मोर मनी देन एवर बिफोर इन द सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. सो ये तो है, इन्फ्लुएंस करती है, तो ऑप्शन ए अभी तक सही लग रहा है. सो ऑप्शन ए को हम कर सकते हैं मार्क, लेकिन अभी और भी पढ़ने पड़ेंगे. क्रिटिकल रीजनिंग में आप मैथ्स की तरह या एलआर की तरह जो आपकी मतलब आपकी जो बेसिक पजल्स वगैरह की रीजनिंग होती है उसमें आप श्योर होते हैं कि एक ऑप्शन पढ़ के बिल्कुल टिक कर दो, लेकिन इसमें आप तब तक श्योर नहीं हो सकते जब तक आप सारे ऑप्शन ना पढ़ लो, क्योंकि हमें लगता है कि एक ऑप्शन सही है लेकिन सम अदर ऑप्शन इज मोर बेटर देन ऑप्शन ए, ऐसा होता है बहुत बार. सो एक ऑप्शन पढ़ के बिल्कुल भी हमेशा आंसर मार्क मत करो क्रिटिकल रीजनिंग के केस, सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए. सो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हमें सही लगा था, इसको होल्ड पे रख सकते हैं. ऑप्शन बी पर आते हैं. अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थर्ड पार्टी कैंडिडेट्स वुड बी एविडेंस ऑफ अ डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ टू मेजर पार्टीज. ऑल्दो ये चीज हम कह सकते हैं कि ऑल्दो हो सकता है रियल वर्ल्ड में ये चीज ट्रू हो, लेकिन पूरे पैराग्राफ को पढ़ के ये कहीं भी एविडेंट नहीं है कि अगर थर्ड पार्टी कैंडिडेट्स की का नंबर बढ़ जाएगा तो उससे टू पार्टी सिस्टम जो चल रहा है उस पर उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं दे रखा है. तो ये ऑप्शन बी को हम सेफली एलिमिनेट कर सकते, ठीक है, कहीं भी इस तरीके की बात नहीं करेगी. ऑप्शन सी पर आते हैं. द टू पार्टी सिस्टम हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ये वाला जो पैसेज है पूरा, ये मतलब अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में लिया गया होगा. सो उन्होंने यहाँ पे अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन हमें ये कहीं नहीं दे रखा है कि टू पार्टी सिस्टम जो है उससे इकोनॉमी को फायदा हुआ है, ये तरीके हैं जिससे इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ा है या फिर कुछ भी लोगों को बेनिफिट हुआ, लोगों के वेलफेयर के लिए काम हुआ है. सो ऐसी इन्होंने कहीं भी बात नहीं करी है, यहाँ पे बस मेजर इलेक्शन के बारे में बात करी है कि मीडिया डिसाइड करती है, पावर आजकल मैटर नहीं करती है, अब आजकल की पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा खर्चा कर रही है, ये सब मोटी मोटी चीजें जो क्वेश्चन में बात करी गई. सो ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली टू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कहीं नहीं बात करी गई, तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑप्शन डी पर आते हैं. द मास मीडिया टेंड टू फेवर एन इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी कैंडिडेट ओवर अ कैंडिडेट फ्रॉम वन ऑफ द टू मेजर पार्टी, ऐसा कहीं भी नहीं दे रखा है. मास मीडिया आजकल मेजर बताता है, लेकिन ये कहीं नहीं दे रखा कि मास मीडिया उनको फेवर ना करके इंडिपेंडेंट को करता है, ये भी कहीं नहीं दे रखा. मतलब ये सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज है, जो ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, दीज आर नॉट सर्टेनिटीज. ठीक है, ऑप्शन ई पर आते हैं. द मास मीडिया रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ द मोस्ट इलेक्शन. सो ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे या जो भी दे रखा है, ऑप्शन ई तो बिल्कुल नहीं हो सकता. तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए जो हम शुरू में देख रहे थे, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन सही लगा होगा एंड समझ भी आ गया होगा अच्छे से. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट अबव. ठीक है, सो अब कौन सा आर्ग्यूमेंट है हमें आइडिया नहीं है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है हम बस अज्यूम करेंगे कि मतलब जो भी हमने कंक्लूजन जैसे डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में भी, जो भी कंक्लूजन क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं उसमें से कोई हो सकता है, कोई स्टेटमेंट इन पांचों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे पूरे कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर रही है, मैं वो देख. सो ऑप्शन ए है, द परसेंटेज ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड एज इंडिपेंडेंट इज हायर टूडे देन एवर बिफोर. ये वाली स्टेटमेंट तो मतलब स्ट्रेंथन नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हमें दे रखा है कि इंडिपेंडेंट या थर्ड पार्टी जो भी है उन्होंने कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट इलेक्शन नहीं जीता है लास्ट ईयर में. सो परसेंटेज अगर उनकी बढ़ रही होती तो मतलब हम एक तरीके से कह सकते थे कि वो जीत रहे हो कुछ. सो मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो स्ट्रेंथन तो नहीं कर रही है ऑब्वियसली. सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, स्ट्रेंथनिंग कहीं से नहीं हो रही है, या तो वीकनिंग मतलब या तो वीकन कर सकती है या फिर इसको या फिर कुछ नहीं करेगी, लेकिन स्ट्रेंथन वाला केस तो कहीं पे नहीं आ रहा. ऑप्शन बी पर आते हैं. इन अ रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वॉज इन्वाइटेड टू अपियर इन अ टेलीवाइज डिबेट विद मेजर पार्टी कैंडिडेट्स. ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ी है, द टू मेजर पार्टीज रेज एंड स्पेंड मोर मनी देन एवर बिफोर इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेट्स एंड प्लेटफॉर्म. सो इसका मीनिंग है कि फॉर एन इंडिपेंडेंट वॉज इन्वाइटेड टू विद द मेजर पार्टी कैंडिडेट्स. मेजर पार्टी कैंडिडेट्स जो है वो अपने कैंडिडेट्स पे ज्यादा खर्चा कर रही है. सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वो
क्यों पब्लिसिटी देगी, ठीक है, वो जो जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, उनके इलेक्शन भी वो ज्यादा जीत नहीं रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि ये वाला जो है आपको इतना स्ट्रेंथन कर पाएगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वॉज इन्वाइटेड टू अपियर इन एन टेलीवाइज डिबेट विद द मेजर पार्टी कैंडिडेट, ठीक है, ये वाला इतना स्ट्रेंथन नहीं होगा क्योंकि इसमें टू मेजर जो टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उस पर ज्यादा फोकस किया गया, सो ऑप्शन बी आई डोंट थिंक इतना रेलिवेंट होगा, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथन नहीं कर रहे वो, क्योंकि इंडिपेंडेंट को इसमें थोड़ी सी इन्होंने वो एज दे दी है ऑप्शन बी में, और हमें एज नहीं देनी है क्योंकि हमें प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पर आते हैं, एवरी करंट मेंबर ऑफ यूएस सेनेट वॉज इलेक्टेड एज कैंडिडेट ऑफ वन ऑफ द टू मेजर पार्टीज, सो ये ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल रेलिवेंट, क्योंकि अगर हमने दे रखा है कि एवरी करंट मेंबर ऑफ यूएस सेनेट यानी कि जो भी रेनाउंड पर्सनैलिटीज है उनको कैंडिडेचर या उनको टिकट दिया गया टू मेजर पार्टीज के लिए, सो इसका मीनिंग है, और आपको यहाँ भी दे रखा है कि टू मेजर पार्टी रेज एंड स्पेंड मोर मनी देन एवर बिफोर इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उन पे पैसा खर्च किया जा रहा है, जो कि आपकी आपकी टू मेजर पार्टीज है उनके कैंडिडेट्स पे पैसा खर्च किया जा रहा है उनकी कैंपेनिंग के लिए, ठीक है, सो आई थिंक कि ऑप्शन सी उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि ये वाला ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ऑप्शन ए और बी के कंपैरिजन में, ऑप्शन सी सपोर्टिंग दी सपोर्टिंग अवर अवर आर्ग्यूमेंट एज वेल। ऑप्शन डी पर आते हैं, इन अ रीसेंट ओपिनियन पोल मोस्ट वोटर्स स्टेटेड दैट द कैंडिडेट्स पार्टी एफिलिएशन वाज एन इनसिग्निफिकेंट फैक्टर इन जजिंग हिज और हर फिटनेस फॉर ऑफिस, सो इनसिग्निफिकेंट फैक्टर तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर तो हो नहीं सकता क्योंकि जैसे अब ये जो दो मेजर पार्टीज है अपनी पार्टीज के कैंडिडेट्स का इतना प्रमोशन कर रही है, सो इनसिग्निफिकेंट फैक्टर तो बिल्कुल नहीं कह सकते, इनसिग्निफिकेंट वर्ड से ये पूरा गलत हो चुका है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ई पर आए, इन द लास्ट 4 years द आउटकम ऑफ द सेवरल स्टेट वाइड इलेक्शंस हैज बीन डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द थर्ड पार्टी वोट, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है ये स्ट्रेंथन नहीं कर रही किसी भी तरीके से, हमें ये देखना है कि पांचों ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो या तो स्टेटमेंट को वीकन कर रही है या फिर कोई चेंज नहीं ला रही है, उन सारी स्टेटमेंट्स को तो हम एज इट इज एलिमिनेट करते जाएंगे, सो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचा इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी एवरी करंट मेंबर ऑफ यूएस सेनेट वॉज इलेक्टेड एज कैंडिडेट ऑफ वन ऑफ द टू मेजर पार्टीज वुड बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, सो नेक्स्ट आपका अलग क्वेश्चन आ गया है, फ्लूइड स्टोरी ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द माइंड व्हाइल ब्रिलियंट फॉर देयर डे वर फॉर्मुलेटेड बिफोर मोस्ट ऑफ द सेंचुरीज ग्रेट एडवांसेस इन न्यूरोफिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, टुडे वी हैव अ फार डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ थॉट इमोशन एंड बिहेवियर देन वॉज ड्रीम्ड ऑफ 80 years अगो, इट वुड बी फुलिश टू कॉन्टिन्यू पैरटिंग फ्लूइड्स साइकोलॉजिकल थ्योरीज As if these advances had never occurred. ठीक है, so एक तरीके से अगर passage की summary करने चाहे, जब भी आप ऐसा कोई passage पढ़ो ना, question पर जाने से पहले ना क्या करो, best तरीका है कि सबसे पहले जानने की से पहले अपने आप recall करो कि आपने क्या पढ़ा है। जैसे मैंने passage पढ़ा तो passage पढ़ने के बाद major major जो जो चीजें समझ आई वो ये है कि author जो है वो ये बता रहे कि fluid की जो theories थी वो उसके time में relevant थी, आज के टाइम पे टाइम चेंज हो गया काफी और जो उसकी थ्योरीज है मतलब उनको एक तरीके से उनको ब्लाइंडली फॉलो करना बिल्कुल फुलिश माना जाएगा। ठीक है, पैरेटिंग क्या होता है, पैरेटिंग का मीनिंग होता है कि फॉलो ब्लाइंडली, जैसे फॉलो ब्लाइंडली का मतलब जैसे तोता होता है, तोता रिपीट करता है, सो उसको एज इट इज अप्लाई करना प्रेजेंट वर्ल्ड में फुलिशनेस होगी, सो ये ऑथर कहना चाह रहा है। सो अब देखते क्वेश्चन क्या है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम पैसेज दैट ऑथर वुड बी मोस्ट लाइकली टू फेवर, सो ऑप्शन ए है द अबैंडनमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लूइड स्टोरीज, सो ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, ऑप्शन ए में अबैंडनमेंट तो मतलब काफी मतलब एक एक्सट्रीम केस हो गया कि मतलब बिल्कुल ही उसको उसको फॉलो मतलब उसको उनको छोड़ दो, सो ये ऑप्शन ए काफी एक्सट्रीम में चला गया, तो ऑप्शन ए के चांसेस कम है कि राइट आंसर ये हो। ठीक है, फिर भी इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन बी पर आते हैं, अ ग्रेटर रिलायंस ऑन बायोलॉजिकल रेदर देन फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को इसने कंपैरिजन कहीं नहीं करके बताया, सो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस पे कट कर दो। ऑप्शन सी, अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, अब ये ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर हम फ्लूइड्स के प्लेस के एग्जामिनेशन चाह रहे हैं, क्रिटिकल री एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स थ्योरीज होता अगर तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन फ्लूइड्स प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी मतलब फ्लूइड की जगह हिस्ट्री में,
हम फ्रूट्स की थ्योरीज को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में देखोगे तो हम ये बात करेंगे कि फ्रूट की थ्योरी तब रेलिवेंट थी, अब रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फ्रूट की प्लेस की बात कहीं नहीं हो रही है। सो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, हम फ्रूट को एज अ पर्सन पर्सन नहीं जज कर रहे हैं, हम उसकी थ्योरीज को जज कर रहे हैं। ऑप्शन डी पर आते हैं, अ री एग्जामिनेशन ऑफ फ्रूट्स थ्योरीज इन द लाइट ऑफ कंटेम्पररी बायोलॉजी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल सपोर्ट इन न्यूरोफिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो ये इंक्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट की बात भी उसने कहीं नहीं करी कि फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करना चाहिए। सो ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन थी, एंड ऑप्शन डी इज अ परफेक्ट चॉइस, क्योंकि ऑप्शन ए में एक्सट्रीम में वो चला गया। सो ऑप्शन डी वुड बी द परफेक्ट चॉइस। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको क्रिटिकल रीजनिंग के जो हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करे, इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि हमें क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें गैप देके खुद क्वेश्चन को रिकॉल करना है, प्लस ऑप्शंस कैसे लिमिट करने हैं। ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं, ऐसी वीडियो और आ जाएंगी आप लोगों के लिए। सो उसके लिए आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।